Johnny Gambras. आ जाओ। ओके ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। क्या हो गया इस पेन को? सो टाइम सीरीज के वी हैव टू चैप्टर्स, चैप्टर 13 एंड 14। 13 एंड 14 है या 12 एंड 13 है? आई थिंक 13 14 है। ठीक है, पीछे वाला एसी ऑन नहीं है क्या? ठीक है। सो बेसिकली टाइम सीरीज 1 इज वेरी लेंदी, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस सीखेंगे। टाइम सीरीज 2 इज शॉर्टर, जहाँ हम लोग वी लर्न डिफरेंट स्टेप्स यूजिंग विच वी मेक अ मॉडल, टाइम सीरीज मॉडल। तो इसमें आज का क्लास जो होगा, विच आई एम डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, जो हम लोग यूज करेंगे पूरे टाइम सीरीज चैप्टर में। एंड हम लोग को लिखना काफी है इन ऑल दीज क्लासेस, बिकॉज थ्योरी काफी ज्यादा है। ठीक है, इफ यू सी द सम्स ऑफ टाइम सीरीज इन योर रिविजन नोट्स, द सम्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी है। बट रिसेंटली इस वाले टर्म में नहीं, बट इन 2022, मतलब अप्रैल एंड सितंबर, दोनों टर्म में टाइम सीरीज के काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो रिसेंटली दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन टाइम सीरीज इन पेपर ए। पहले पेपर ए में खाली एक क्वेश्चन आता था एंड पेपर बी में एक क्वेश्चन आता था, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग लाइक 2 क्वेश्चंस, इवन 3 क्वेश्चंस इन पेपर ए। लास्ट टर्म में फिर भी उन्होंने कम दिया है, बट उसके पहले के 2 3 टर्म्स में दे हैव गिवन लाइक वेरी डिफिकल्ट टाइम सीरीज क्वेश्चंस। तो अभी तक क्या ट्रेंड था कि टाइम सीरीज के सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे हर टर्म में, तो आप बस रिविजन नोट्स करके जाओगे 2 बार, आपका सम्स बन जाएगा। बट रिसेंटली दे हैव चेंज्ड एंड दे आर गिविंग न्यू काइंड ऑफ सम्स, सम्स विच हैव वेरी थियोरिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको अच्छे से अगर थ्योरी नहीं आते तो आप नहीं कर पाओगे वो सारे क्वेश्चंस। एक्चुअली जेन्युइनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे हैव स्टार्टेड गिविंग। तो वैसा कुछ नहीं है, टाइम सीरीज इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। एंड आर प्रोग्रामिंग टाइम सीरीज का, अगेन इट्स वेरी लेंदी। व्हेन आई से लेंदी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यस, बट इट्स लेंदी। पैकेजेस बहुत सारे हैं, फंक्शंस बहुत सारे हैं, बट वैसे बहुत ईजी है। ठीक है, तो एक बार हम लोग को टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। दिस इज वन ऑफ द लेंदीएस्ट चैप्टर्स ऑफ CS2 आफ्टर मार्कोव। मार्कोव भी लेंदी है, बट देन अगेन एक बार ये कंप्लीट हो जाता है, इसको आपको रिवाइज करना है। जैसे आज के क्लास के बाद आप लोग को पूरा कॉपी जो आज आप लिखोगे वो रीड करके नेक्स्ट क्लास में आना है, क्योंकि अगर आप रीड करके नेक्स्ट क्लास में नहीं आओगे तो आप सब भूल जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि टॉपिक्स काफी ज्यादा न्यू है आप लोगों के लिए, सो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू सिंक इन। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट वर्ड, विच इज लिखना स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक, दोज हु माइट हैव डन CM2 उनको फिर भी थोड़ा नॉलेज होगा, बट स्टोकास्टिक प्रोसेस इज समथिंग विच वी एक्चुअली स्टडी इन CS2 ओनली। इसमें लिखो, स्टार्ट राइटिंग, अ स्टोकास्टिक प्रोसेस इज अ मॉडल
इज अ मॉडल फॉर टाइम डिपेंडेंट, फॉर टाइम डिपेंडेंट रैंडम फेनोमिनन, रैंडम फेनोमिनन, रैंडम फेनोमिनन को अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप. इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स टी, कैपिटल एक्स टी, वन ऑफ ईच टाइम टी इन सम सेट जे, इन सम सेट जे, कैपिटल जे. इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एक्स टी वेयर टी बिलोंग्स टू जे. इट इज डिनोटेड बाय एक्स टी वेयर टी बिलोंग्स टू जे. देखो मैं लिख रही हूं तो यहां पे कॉपी करते रहना, फुल स्टॉप. द सेट ऑफ वैल्यूज, द सेट ऑफ वैल्यूज दैट रैंडम वेरिएबल एक्स टी, दैट रैंडम वेरिएबल एक्स टी कैन टेक इज कॉल्ड स्टेट स्पेस, इज कॉल्ड स्टेट स्पेस ऑफ द प्रोसेस, फुल स्टॉप. द वैल्यूज इन स्टेट, द वैल्यूज इन सेट जे, द वैल्यूज इन सेट जे, द वैल्यूज इन सेट जे इज कॉल्ड द टाइम सेट, इज कॉल्ड द टाइम सेट, टाइम सेट ऑफ द प्रोसेस, फुल स्टॉप. ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि एक्स टी जो है, एक्स टी जो है, एक्स टी इज द वैल्यू, बेसिकली ईच एक्स इज अ वैल्यू इन स्टेट, इन स्टेट स्पेस जो है हमारा, एंड दिस टी इज बेसिकली द टाइम सेट. ठीक है, तो एक्स वन अगर हम लिखते हैं, एक्स टू हम लोग लिखते हैं, मतलब एक्स वन इज द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस एट टाइम वन, एक्स टू इज द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस एट टाइम टू. तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये क्या है, आपका टाइम है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो. अ टाइम सीरीज, अ टाइम सीरीज इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस, इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस विथ डिस्क्रीट टाइम, विथ डिस्क्रीट टाइम सेट या टाइम डोमेन लिख दो, डिस्क्रीट टाइम डोमेन एंड कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस. कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पूरा लिखना, कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस, फुल स्टॉप. सो बेसिकली स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है, स्टोकास्टिक प्रोसेस इज अ रैंडम फेनोमेनन. मतलब आप लोग को पहले से इसका वैल्यूज पता नहीं होता कि इसका वैल्यूज क्या होगा. जब हम एक्स बोल रहे हैं, एक्स हमारा स्टेट है एंड टी हमारा टाइम है, तो एक्स टी इज अ वैल्यू ऑफ द प्रोसेस एट टाइम टी. ठीक है, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. सो देर इज अ डिफरेंस व्हेन आई से बिटवीन अ स्टोकास्टिक प्रोसेस एंड अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस. क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या वैल्यू होगा एंड किस प्रोबेबिलिटी से होगा. ठीक है, दैट्स व्हाट अ स्टोकास्टिक. एंड स्टोकास्टिक प्रोसेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस टाइम हो सकता है, कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस हो सकता है. यहाँ हम लोग टाइम सीरीज जब पढ़ते हैं तो टाइम सीरीज इज अ डिस्क्रीट
स्टेट्स पे टाइम सेट, डिस्क्रीट टाइम मतलब टाइम वन, टाइम टू, टाइम थ्री, या वन डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, वैसे, या वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, या वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर. सो बेसिकली इट्स नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है. एंड सेकेंडली स्टेट स्पेस कैन बी कंटिन्यूअस, स्टेट स्पेस कैन बी कंटिन्यूअस, स्टेट स्पेस कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स कंटिन्यूअस, बट टाइम इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट, ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखो यूनिवेरिएट टाइम सीरीज, यूनिवेरिएट टाइम सीरीज. इसमें लिखो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सिंगल प्रोसेस, ऑफ अ सिंगल प्रोसेस टेकन एट अ सीक्वेंस ऑफ, टेकन एट अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइम्स, फुल स्टॉप. सच अ सीरीज इन जनरल, सच अ सीरीज इन जनरल कैन बी रिटन, कैन बी रिटन एज, देखो बोर्ड पे, एक्स टी वन, एक्स टी टू, एक्स टी थ्री, डॉट डॉट डॉट, एक्स टी एन. और एक्स टी वन, एक्स टी टू, डॉट डॉट डॉट, एक्स टी एन. ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे वन टू, ये मैंने टाइम कंसिस्टेंट लिखा है ना, इट डज नॉट हैव टू बी कंसिस्टेंट. हो सकता है एक्स टी वन हो, फिर एक्स टी थ्री हो, फिर एक्स टी फोर हो, इट डज नॉट हैव टू बी कंसिस्टेंट. मैंने ऐसे लिखा है, बेसिकली दीज टू आर द डिफरेंट वेज. आप लोग कभी देखोगे क्वेश्चन में वो ऐसे रिप्रेजेंट करें, कभी आप देखोगे क्वेश्चन में वो ऐसे रिप्रेजेंट करें, दोनों सेम है, ठीक है, देर इज नो डिफरेंस, दोनों सेम है. नेक्स्ट लिखना पार्ट, नेक्स्ट लिखो थर्ड वर्ड स्टेशनैरिटी, लिखो स्टेशनैरिटी. स्टेशनैरिटी के नीचे लिखो अस्टोकास्टिक प्रोसेस, अस्टोकास्टिक प्रोसेस इज सेट टू बी स्टेशनरी, इज सेट टू बी स्टेशनरी और स्ट्रिक्टली स्टेशनरी, स्ट्रिक्टली स्टेशनरी, स्ट्रिक्टली स्टेशनरी इफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स टी वन, एक्स टी टू, डॉट डॉट डॉट, एक्स टी एन एंड एक्स टी वन प्लस के, एक्स टी टू प्लस के, डॉट डॉट डॉट, एक्स टी एन प्लस के आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल फॉर ऑल, फॉर ऑल टी वन कॉमा टी टू, डॉट डॉट डॉट, टी एन एंड टी वन प्लस के, टी टू प्लस के आर डॉट डॉट डॉट, टी एन प्लस के. हाँ आ जाओ सामने बैठो. हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं ऐसे है, मतलब सबस्क्रिप्ट में नहीं है, या तो आप लिख सकते हो सबस्क्रिप्ट में, डजेंट मैटर, लिख दो सबस्क्रिप्ट में, लिख दो, अगर सबस्क्रिप्ट में लिखा है तो लिख दो, डजेंट मैटर,
ठीक है, मतलब टी 2+k, 2+k साथ में होगा, ठीक है, लिख दो, कोई फर्क नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एन प्लस के वैसे लिख दो. सो t1+k, t2+k, डॉट डॉट डॉट, टी एन प्लस के आर आइडेंटिकल. नहीं, मैंने क्या लिखा था, रुक जाओ. फॉर ऑल t1, t2, डॉट डॉट डॉट, tn एंड t1+k, t2+k, tn+k इन जे आर ऑल इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स इन जे एंड ऑल इंटीजर्स एन एंड ऑल, रुको, इन जे एंड ऑल इंटीजर्स एन एंड ऑल के, लिखो फिर मैं समझा रही हूँ, एंड ऑल के, फुल स्टॉप. तो इसमें हमने क्या बोला है, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, ये सारे वैल्यूज ऑफ द प्रोसेस एट दीज टाइम्स, एंड यहाँ क्या किया है हमने, खाली टाइम को प्लस के से इंक्रीज कर दिया, एंड दिस प्लस के इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल. मतलब टाइम t+1, t1+k, t2+k, tn+k, सो दीज टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस बन गया ना, दीज टू प्रोसेसेस आर आइडेंटिकल, मतलब एग्जैक्टली सेम आर आइडेंटिकल फॉर ऑल दीज टाइम t1, t2, डॉट डॉट डॉट, tn एंड दीज टू टाइम पीरियड्स. एंड यहाँ पे ये जो एन है, दिस एन इज अ इंटीजर विच इज ऑब्वियस केस, वाई, बिकॉज टाइम इज डिस्क्रीट, तो एन हैज टू बी एन इंटीजर एंड के हैज टू बी एन इंटीजर, क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम ले रहे हैं, हम कंटिन्यूस टाइम नहीं ले रहे, कंटिन्यूस हम मार्कोव जंप में पढ़ते हैं, यहाँ हम टाइम सीरीज में डिस्क्रीट लेते हैं, ठीक है, टाइम सेट इज डिस्क्रीट. सो एन एंड के आर वॉट, इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड जे इज द टाइम सेट, ठीक है, क्लियर है. क्या बोला मैंने, ये दोनों प्रोसेसेस एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे तो हमारा प्रोसेस स्ट्रिक्टली स्टेशनरी होगा, ठीक है. क्या प्रोसेस, एक्स टी, ये है एक ही प्रोसेस का पार्ट. अगर आप देखो एक्स टी और एक्स टी वन लिख रहे हो, एक्स टी वन ये है एक ही प्रोसेस, बट दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए, है ना, अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए. आप क्या बोल रहे हो कि ये हो गया आपका डे वन, ठीक है, ये हो गया डे टू, डे थ्री, डॉट डॉट, डे 365, लेट्स सपोज, एंड यहाँ प्लस के कॉन्स्टेंट करो, लेट्स सपोज दिस कॉन्स्टेंट इज 365 अगेन, सो ये आपका अगर डे वन है तो ये आपका डे 366 है, बट प्रोसेस एक ही है, तो फर्स्ट ईयर के सारे वैल्यू सेकेंड ईयर के एग्जैक्टली आइडेंटिकल है फॉर दीज टू टाइम पीरियड. अब नेक्स्ट लाइन लिखो, इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेस, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेस रिमेन्स अनचेंज्ड एज टाइम एलैप्सेस, एज टाइम एलैप्सेस, ठीक है. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज, एवरी थिंग, मीन, मीडियन, कुछ भी निकाल लो, इट शुड रिमेन सेम, तभी वो आपका प्रोसेस आइडेंटिकल, हम लोग तभी उसको स्ट्रिक्टली स्टेशनरी बोलते हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, इसी में स्ट्रिक्टली स्टेशनरी, स्ट्रिक्टली स्टेशनरी इज अ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, इज अ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट विच मे बी डिफिकल्ट टू टेस्ट, विच मे बी डिफिकल्ट टू टेस्ट इन रियल लाइफ, कॉमा, फॉर दिस रीजन अनदर कंडीशन known as weakly stationary, known as weakly stationarity लिख दो, is used.
कंडीशंस आपस में देखो, कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा आज. थ्री कंडीशंस फॉर अ प्रोसेस टू बी वीकली स्टेशनरी, फॉर अ प्रोसेस टू बी वीकली स्टेशनरी आर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेरियंस ऑफ एक्स टी इज कॉन्स्टेंट. थर्ड कंडीशन कॉपी कर लो, मैं लिख रही हूं उधर. एक्स टी कॉमा एक्स टी प्लस के इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी बट शुड डिपेंड ऑन लैग के. लैग के अब इसका मीनिंग समझते हैं, ध्यान देना. मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी एंड वेरियंस ऑफ एक्स टी दोनों कांस्टेंट है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैग. इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी लैग. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैग? जो भी हमने के देखा 365 डेज, दैट्स अ लैग. मतलब आज का वैल्यू एंड आफ्टर 365 डेज का वैल्यू, दैट्स अ लैग. ठीक है, अब यहां मैं कोवेरियंस के लिए क्या लिख रही हूँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स टी कॉमा एक्स टी प्लस के. प्रोसेस सेम है बट लैग कितने का है, के का लैग है. सो दिस वैल्यू शुड ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द लैग के, नॉट ऑन टाइम. ठीक है, मतलब लेट्स सपोज अगर हम बोलते हैं एक्स, लेट्स सपोज एग्जाम्पल अगर आप लोग को लिखना, आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल, आप लोग लिख सकते हो. सपोज इफ वी टेक अ लैग ऑफ टू, तो मैं बोल रही हूँ कोवेरियंस ऑफ एक्स वन एंड क्या हो जाएगा, एक्स थ्री हो जाएगा. ठीक है, दिस शुड ओनली डिपेंड ऑन द लैग एंड व्हाट इज द लैग टू, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स फाइव कॉमा एक्स सेवन, कोवेरियंस ऑफ एक्स हंड्रेड कॉमा एक्स हंड्रेड एंड टू. क्योंकि हर में लैग क्या है, हर में लैग क्या है, लैग है टू का, बट टाइम से फर्क नहीं पड़ा. अंडरस्टूड? अब अगर यहां हम लोग लॉजिकली समझे, वेरियंस ऑफ एक्स टी इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ एक्स टी कॉमा एक्स टी, यस ऑर नो? यहाँ लैग क्या है? हाँ, क्या नहीं सिखाया, मारेगा क्या? नहीं है लैग, नहीं है मत बोलो, गलत. लैग जीरो है, लैग जीरो है. ठीक है, तो एक वेरियंस, अब ये वाला क्या हो जाएगा, कोवेरियंस टी प्लस के कॉमा एक्स टी प्लस के लिख सकते हैं. कैन वी राइट दिस? सो बेसिकली ये क्या है, वेरियंस ऑफ है कि नहीं, मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू शुड बी कॉन्स्टेंट एंड सेम. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ लैग एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ लैग, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है. दिस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन, दिस इज वीकली स्टेशनरी. ठीक है, नेक्स्ट लिखो इनवर्टिबिलिटी. वेरी गुड, मेरे को पता नहीं था तुम लोग इतना इंटेलिजेंट है. आज समझ आ गया मेरे को सिद्धार्थ. चलो नेक्स्ट लिखो इनवर्टिबिलिटी. मेरे को लगा तुम लोग को ये भी याद नहीं है सीएस वन से, अगर बोल देता ना आज तुम. इनवर्टिबिलिटी में लिखो, इफ वी कैन एक्सप्रेस ई टी, ब्रैकेट में लिखना एरो टर्म, एरो टर्म इन टर्म्स ऑफ, इन
terms of xt, xt's only, then the process is said to be invertible. Then the process is said to be invertible. अब यहां देखो, सो बेसिकली क्या होगा, हम लोग के प्रोसेस में कुछ एरर टर्म्स भी होंगे. ये जो एरर टर्म्स होते हैं ना, दीज एरर टर्म्स आर बेसिकली विच गिव्स द रैंडमनेस. अगर मैं खाली बोलू कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस वन प्लस एक्स टी प्लस टू, तो क्या रैंडमनेस आया? रैंडमनेस आता है एरर टर्म से, क्योंकि एरर टर्म कैन टेक एनी वैल्यू. सो दिस इज वेयर वी गेट द रैंडमनेस इन आवर मॉडल. हम लोग जब मॉडल बनाएंगे तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है. तो अगर हम लोग एरर टर्म्स को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ओनली एक्सटीज, देन द प्रोसेस इज सेट टू बी इनवर्टेबल. अब एक एग्जाम्पल, मतलब खाली एक बार देख लो फिर बाद में कॉपी कर लेना. एक्स टी प्लस वन अगर मैं लिखती हूँ फाइव फाइव एक्स टी, ठीक है, तो ये तो डिटर्मिनिस्टिक हो गया. कैसे? अगर तुमको निकालना है एक्स टू का वैल्यू तो फाइव इंटू एक्स वन. अगर तुम्हें निकालना है एक्स टू का वैल्यू मतलब क्या होगा, फाइव इंटू एक्स वन ना. अगर तुम्हें निकालना है एक्स फोर तो फाइव इंटू एक्स थ्री. क्या डिटर्मिनिस्टिक क्या है, मतलब इसमें रैंडम क्या है? रैंडम तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे प्रोसेस में. अगर आज का वैल्यू पता है कल का पता चल जाएगा, कल का पता है परसों का पता चल जाएगा, तो रैंडमनेस तो कुछ आया ही नहीं. बट इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, एक्स टी प्लस वन इक्वल टू फाइव एक्स टी प्लस ई टी प्लस ई टी माइनस वन, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दू, तो ये सारे एरर वैल्यूज है एट टाइम टी माइनस वन विच गिव्स द रैंडमनेस. एंड अगर हम ई टी को एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स टीज, तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, इसको करेंगे प्रूफ, ठीक है. अंडरस्टूड? ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट लिखना, हाँ कर लो, खाली ये दोनों कॉपी कर लो, ये दोनों, ये करने का जरूरत नहीं. हाँ, अगर तुमको आज का वैल्यू पता है एक्स वन आज, तुम एक्स टू निकाल सकते हो फाइव इंटू एक्स वन, बस वही डिटर्मिनिस्टिक है. मतलब तुमको पता है वैल्यू क्या होगा, व्हेन यू नो व्हाट इज द वैल्यू दैट बिकम्स अ, देयर इज नो रैंडमनेस इन द प्रोसेस. ये ई का हम लोग बाद में देखेंगे. हम लोग यूजुअली अज्यूम करते हैं इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. And when I say it follows a normal distribution, it can take any value from minus infinity to infinity. है ना? So there is a randomness. कुछ भी हो सकता है. अगर मैं अब ये बना दूँ आपका जो पूरा डेटा है, तो अगर मैं बोलूँ xt equal to 5x1 plus e1 हो जाएगा. So this e1 can be any value. है ना? तो अब तो हम लोग का known वाला चीज नहीं है, अब तो random है. है ना? तो next लिखना, next लिखो ऑटो कोवेरियंस, ऑटो कोवेरियंस, इट्स अ सेम वर्ड, यू कैन जस्ट गिव अ डैश मे बी. एंड इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे गामा के. अगेन कुछ लोग होते हैं जो गामा को ना अजीब से लिखते हैं थोड़ा ऐसे. हाँ, आई राइट इट दिस वे, बट आई हैव सीन सम पीपल राइटिंग इट इन दिस वे. एक सेकेंड देना.
ऑटो कोवेरियंस लिखा। अब इसके नीचे लिखना, अब इसके नीचे लिखना गामा के इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स टी कॉमा एक्स टी प्लस के, या फिर कोवेरियंस ऑफ एक्स टी कॉमा एक्स टी माइनस के। ठीक है। अच्छा कोई बता सकते हैं मैंने ये प्लस के एंड माइनस के क्यों लिखा है एंड दोनों सेम क्यों लिखा है? क्विकली। तमाम क्योंकि लैग तो के ही है, लैग लैग तो तो ही सेम है, है। लैग तो के है। तुम इसका लैग देखो या तुम इसका लैग देखो ना, लैग तो सेम है। और कोवेरियंस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन लैग। ठीक है, बट वो चीज ध्यान रखना तभी होगा जब इट इज वीकली स्टेशनरी। एंड हमेशा आप वीकली स्टेशनरी अज्यूम नहीं कर सकते, आपको प्रूव करना होगा। तो जब हम आगे मॉडल्स करेंगे हम देखेंगे कि पहले हम वीकली स्टेशनरी प्रूव करते हैं और फिर हम ये लॉजिक यूज करते हैं। सो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते विदाउट सेइंग दैट इट इज वीकली स्टेशनरी। अगर डायरेक्टली यूज करोगे तो मार्क्स डिडक्ट होगा। नाउ एनीवन, किसी को कोवेरियंस का फॉर्मूला याद है कैसे निकालते थे एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में? एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ एक्स वाई कहाँ आ रहा है? एक्स टी कॉमा कॉमा क्यों लिख रहे हैं? एक्स टी वेरी गुड। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लिख लो। गामा के इक्वल टू 1/n-k समेशन ऑफ टी गोज फ्रॉम 1 to n-k एक्स टी माइनस एक्स बार एंड एक्स टी प्लस 1 - एक्स बार। इसका मीनिंग समझ लो पहले, एक बार देखो इधर। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समेशन टी गोज फ्रॉम 1 to, ये n-k क्यों कर रहे हैं इसका लॉजिक समझते हैं। ठीक है, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, मैंने क्या बोला है गामा के इज कोवेरियंस। ठीक है, कोवेरियंस कैसे निकलते हैं, 1/n-k समेशन ऑफ टी गोज फ्रॉम 1 to n-k एक्स टी माइनस एक्स बार, एक्स टी प्लस 1 - x बार। इफ यू ऑल रिमेम्बर वेरियंस कैसे निकालते थे, 1/n समेशन ऑफ x-x बार का होल स्क्वायर निकालते थे। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव एक्स टी एंड एक्स टी प्लस 1 - x बार। ठीक है, अब यहाँ पे वाई आई एम सेइंग n-k, लेट्स से सपोज, अभी लिखो मत देख लो, लेट्स से सपोज आई एम सेइंग n इज 3। अगर n 3 है मतलब देर आर 3 वैल्यूज एट आई हैव x1 x2 x3, है ना? आई हैव 3 वैल्यूज। अब अगर मैं, मुझे इसका कोवेरियंस निकालना एंड हाँ आई हैव 3 वैल्यूज, तो अगर लेट्स से सपोज मैं बोल रही हूँ के 1 है, क्योंकि k इज अ लैग विच यू हैव टू अज्यूम विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन और यू आर अज्यूमिंग k 1 है मतलब लैग 1 है। तो यहाँ पे आप कोवेरियंस किसके किसके बीच में निकालोगे? आप निकालोगे 1 एंड 2 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में। 1 एंड 3 के बीच में निकलेगा बिकॉज लैग 2 हो जाएगा। सो 1 एंड 2 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, तो कितना कोवेरियंस निकला? 2 निकला ना, विच इज n-k विच इज 3 - 1 विच इज 2। तो टी गोज फ्रॉम 1 to 2 दो बार, सबका समेशन डिवाइडेड बाय n-k विच इज अगेन 2। अंडरस्टूड n-k क्यों लिखते हैं? क्लियर क्लियर, सम्स करेंगे तब और क्लियर होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, अब दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे ये चीज लिखा है, क्योंकि आपने बोला है कि वीकली स्टेशनरी होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सो ऑल्सो कैन वी राइट गामा के इक्वल टू गामा माइनस के। दिस इज गामा के, दिस इज आइडियली गामा, बोथ आर सेम इफ इट इज वीकली स्टेशनरी। लिख लो, लैग सेम है ना,
लैग सेम है। ये वाला फॉर्मूला टेबल बुक में भी गिवन है, एन को थ्री और के को टू, तो सेम होगा 1 एंड 3, बस और कुछ नहीं निकाल पाएगा। तो टी गोज फ्रॉम 1 टू 1, ठीक है। अब लिखना सिक्स वाला, ऑटो कोरिलेशन, क्या हुआ बोलो? रो के, ये पी नहीं है, ये रो है। हाँ हाँ के होगा ये, सॉरी ये के कर दो इसको, ये एक्स टी प्लस के होगा, ये 1 नहीं, हाँ के होगा, के होगा। एक्स टी प्लस के कर दो इसको, प्लीज देखो इधर, इसको एक्स टी प्लस के कर दो, ये एस टी प्लस 1 कर दिया था मैंने, ठीक है ना। अब सिमिलरली ऑटो को रिलेशन निकालेंगे, कोवेरियंस निकाल सकते हैं तो को रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑटो को रिलेशन यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ए सी एफ, ऑटो को रिलेशन फंक्शन, ऑटो को रिलेशन, ऑटो को रिलेशन फंक्शन ए सी एफ, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? रो रो के इक्वल टू रो एक्स टी कॉमा रो एक्स टी प्लस के इक्वल टू, याद है कोरिलेशन कैसे निकालते थे? कैसे? कोवेरियंस बाय, हाँ सुन नहीं रहा मेरे को, वेरियंस ऑफ एक्स टी एंड वेरियंस ऑफ एक्स टी प्लस के का रूट, ठीक है लिख लो। इसके नीचे लिखो अज्यूमिंग द प्रोसेस इज वीकली स्टेशनरी, अज्यूमिंग द प्रोसेस इज वीकली स्टेशनरी कॉमा, एक चीज यहां नोटिस करना, दिस एक बार देखो, वेरियंस ऑफ एक्स टी कैन बी रिटन एज कोवेरियंस ऑफ एक्स टी कॉमा एक्स टी, दिस कैन बी रिटन एज कोवेरियंस ऑफ एक्स टी प्लस के कॉमा एक्स टी प्लस के, एंड दिस इज वॉट रो, दिस इज वॉट गामा, गामा गामा के क्या है? गामा जीरो ना, ये भी गामा जीरो ना, येस और नो? तो मैंने क्या लिखा है, अज्यूमिंग द प्रोसेस इज वीकली स्टेशनरी रो के इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर वाला, गामा के बाय गामा नॉट, गामा नॉट का रूट विच इज नथिंग बट गामा के बाय गामा नॉट, येस और नो? येस और नो? नोट रो जीरो, रो जीरो क्या होगा, गामा जीरो बाय गामा जीरो, येस येस लिख लो। ये वाला वेरियंस ऑफ एक्स टी, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला कोवेरियंस ऑफ एक्स टी प्लस के कॉमा कोवेरियंस ऑफ एक्स टी प्लस के हो जाएगा ना, तो तुम्हारा लैग क्या है दोनों में, एक्स टी प्लस के और एक्स टी प्लस के में लैग क्या है?
लैग तो जीरो, कोवेरियंस ऑफ एक्स टी प्लस के कॉमा एक्स टी प्लस के में तो लैग तो जीरो है, दोनों को माइनस करो तो गामा के हो जाए, गामा जीरो हो जाएगा ना जो ऊपर की है। तो ये जो डिफॉल्ट ये वाला जो वैल्यू है ये हम लोग हमेशा लेते हैं। क्वेश्चन आता है निकालो ए सी एफ एट लैग जीरो वन टू थ्री जो भी, तो जीरो वाला अपने आप वन हो जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस इज ओनली फॉर स्टेशनरी प्रोसेस, मैंने इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है फॉर वीकली स्टेशनरी प्रोसेस। ठीक है, ये बार बार मैं फोकस कर रही हूँ, एग्जाम में गलती करके हो गई तो तुम लोग का लाइबिलिटी है, मेरा नहीं है। सेवेंथ पॉइंट लिखना, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन PACF, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाई के। ठीक है, तो इसका टेबल बुक में वैसे तो फॉर्मूला गिवन है, फाई के इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ रो के का स्टार एंड डिटर्मिनेंट ऑफ रो के। पेज 40 ऑफ टेबल बुक लिख लो, पेज 40 ऑफ टेबल बुक। सो बेसिकली 40, 41, 39 इसमें सारे टाइम सीरीज के फंक्शंस दिए हुए। वेयर लिखना, वेयर रो के इज इक्वल टू, ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है, वन रो वन रो टू डॉट डॉट रो के माइनस वन, रो वन रो टू डॉट 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 रो के माइनस वन, मैम एक बार प्लीज वन। चिराग क्लियर नहीं हुआ क्या ये वाला एन माइनस के, कौन सा वाला बोल रहे हो मैम? इन ऑटो कोवेरियंस के अंदर जो फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट रहा था, ये वाला टी वन से एन माइनस के क्यों हुआ? नहीं नहीं, ये जो हमने आपने बताया था एग्जांपल लेकर कि एन को अगर हमने डिनोमिनेटर में क्यों लिखा है। Yes, yes. कितने बारी समेशन निकालोगे? दो बारी ना, एक बारी निकालोगे वन एंड टू का एंड एक बारी निकालोगे टू एंड थ्री का, तो डिवाइड बाय टू करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, थ्री कंफर्म करना था। ठीक है, जैसे वेरिएंस में डिवाइड बाय एन करते हैं क्योंकि एन टाइम्स लेते हैं, समेशन आई गोज फ्रॉम एन होता है, वन गोज फ्रॉम एन होता है वैसे। ठीक है, यहाँ पे एन माइनस के है न्यूमरेटर में। ठीक है ठीक है, अब लिखो रो के स्टार, ये होता है टेबल बुक में गिवन है, ये दोनों गिवन है, याद नहीं करना होगा, याद हो जाएगा वो अलग बात है। वन रो वन डॉट 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 रो के माइनस टू रो वन, एक्चुअली भी ऐसे नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसे होता है रो वन रो टू डॉट 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 रो के माइनस वन, फिर यहाँ पे वन रो वन डॉट 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 के माइनस टू, ये हो गया आपका रो के माइनस थ्री,
अगर एक पैटर्न समझे, अगर एक पैटर्न यहां समझे तो देख लो, फॉर रो के, ठीक है, इट्स अ के क्रॉस के मैट्रिक्स वेर द न्यू वेर द लाइक द फर्स्ट रो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 रो 1 रो 2 डॉट 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 रो के माइनस 1, एंड यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम इज 1 रो 1 रो 2 डॉट 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 रो के माइनस 1। यहाँ रो 1 है तो अगेन ये 1 से स्टार्ट होगा, ये रो 2 है रो 1 1, फिर ये पूरा वापस से वैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली रो के स्टार जो है, रो के स्टार में खाली एक डिफरेंस है कि आपका जो ये फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट रो अभी वो लास्ट रो हो गया, ठीक है, जस्ट दैट यू आर स्टार्टिंग 1 नहीं है, ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम रो 1। अगर या फिर ऐसे समझो, इट स्टार्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम जो है, यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम सेम है, देख रहे हो, खाली ये वाला कॉलम डिफरेंट रहेगा आपका लास्ट वाला, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, देखो खाली आपका लास्ट कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा, विच विल बी रो 1 रो 2 डॉट 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 रो के, बाकी पूरा सेम रहेगा यहाँ तक, खाली लास्ट कॉलम विल चेंज। अब पूछोगे क्यों, दिस इज अ प्री डिटरमाइन फॉर्मूला जो हम लोग को दिया है। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा हम लोग के क्वेश्चन में नहीं आता टू सॉल्व, आर प्रोग्रामिंग में स्ट्रेट अवे हम लोग निकाल सकते हैं पीएसीएफ, कुछ ये सब मैट्रिक्स बनाने का जरूरत नहीं है अलग से, उसमें खाली पीएसीएफ का फॉर्मूला होता है, लाइक फंक्शन का नाम है पीएसीएफ, तो फंक्शन का नाम पीएसीएफ डालोगे आपका पीएसीएफ निकल जाएगा, अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल ले लो, ऐसे टेंशन मत लो, यहाँ देखो एक एग्जाम्पल लो, रो 3, ट्राई करो रो 3 खुद से बनाने का एंड रो 3 स्टार खुद से बनाने का। हाँ बोलो, खाली लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम भी सेम है, क्या बोल रहे हो? नहीं, अरे ओहो, इसको रो 1 करो ना, सेम है सेम है सब सेम है, खाली उसको रो, यहाँ पे कहाँ 2 लिख दिया था मैंने, इधर ना कहीं पे भूल से, वो रो 1 होगा, पूरा सेम है, खाली आपका लास्ट कॉलम डिफरेंट है, इसीलिए बोलते हैं टेबल बुक कैरी क्या करो, टेबल बुक में दिया हुआ है। क्या हुआ तुम लोग को पीछे, तुम लोग क्या कर रहे हो पीछे? क्लियर है, पूरा सेम है खाली लास्ट वाला, वंश बताओ क्या होगा, रो 3 क्या होगा, 1 कॉलम की रो वाइज, ठीक है, कॉलम वाइज बोलो, तुम्हारा नाम वंश है, बोलो, एक बार ही करो, Thank you.
बोलो क्या हो रहा है? पेन का रखा मैंने. अरे तुम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे खाने पीने का. वन रो वन रो टू रो वन वन रो वन. फिर अब इसमें भी सेम होगा, खाली लास्ट कॉलम. सो वन रो वन रो टू रो वन वन. बस एक चीज ध्यान रखो, लास्ट कॉलम इट स्टार्ट्स विथ, इंस्टेड ऑफ वन इट स्टार्ट्स विथ. सिंपल, वेरी सिंपल. अब रो वन रो टू का वैल्यूज तुम लोग निकाल सकते हो, जो हमने ऊपर निकाला ऑटो कोरिलेशन से, इसमें मैट्रिक्स में डाल सकते हो एंड इसको सॉल्व कर सकते हो. बट हम लोग को इतना मेहनत करना नहीं है. वाई? बिकॉज आर में डायरेक्टली है. हाँ, बट थ्योरी में अगर आते हैं तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ रो के स्टार बाय डिटर्मिनेंट ऑफ रो के आपको सॉल्व करना होगा. बेसिकली आपको इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा. ठीक है, वील डू वन क्वेश्चन, डोंट वरी. क्या क्यों भाई? नहीं, तुमको खाली वो एक इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना, डिटर्मिनेंट वाला वो तो लिखना पड़ेगा. देखो वो तो टाइप, तभी देखो सुन लो, टाइम सीरीज को जितना जल्दी तुम लोग वर्ड में टाइप करना स्टार्ट करोगे तुम लोग के लिए सही है. बिकॉज टाइम सीरीज इज एक्चुअली लिटिल डिफिकल्ट टू टाइप, क्योंकि सब जगह रो गामा अल्फा बीटा सब कुछ है, फाई जाई सब है, जाई भी पढ़ेंगे. चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर. क्यों बात कर रहा है तुम लोग? करो बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, इसको अपने डिनोट करते हैं बी. ठीक है, बी, सिंपल बी, ए बी सी डी वाला बी. ठीक है, अब इसमें लिखो, इसमें लिखना एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वन. बेसिकली क्या कर रहे, बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे टू एनी फंक्शन एनी प्रोसेस, वो एक स्टेप पीछे चला जाता है, वो एक स्टेप पीछे चला जाता है. ठीक है, अगेन एक चीज ध्यान रखना, बी इज एन ऑपरेटर नॉट अ फंक्शन. दिस इज अ ऑपरेटर नॉट अ फंक्शन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ऑपरेटर एंड अ फंक्शन. जैसे हम ऐसे लेस देन ग्रेटर देन साइन देते हैं ना, दीज आर ऑपरेटर्स not functions. Similarly, B is a operator, not a function. Excel में जब लिखते हो 6 greater than 3 तो क्या आता है आंसर? True आता है ना, it's an operator, it's not a function. याद रखना. अब अगर सेम चीज को मैं ऐसे लिखू b square एक्स टी, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, अभी क्या समझ में आएगा इसको, b square एक्स टी. तो इसको अपने ना ऐसे लिख सकते b b of xt, which is ठीक है. सो इन जनरल क्या समझ में आया? कुछ नहीं, कि b k xt is equal to what? कौन बोलेगा? xt, वेरी गुड, स्मार्ट स्टूडेंट्स. ठीक है ना, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर है? जो कैमरा नहीं ऑन कर रखे स्पेशल स्टूडेंट्स, क्लियर? एक बार थम्स अप दे दो. नेक्स्ट लिखना डिफरेंस ऑपरेटर. ये डिफरेंसिएशन नहीं है, डिफरेंस
एक होता है डिफरेंसिंग, एक होता है डिफरेंसिएशन, देर इज अ डिफरेंस. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने डे वन पे बोल दिया है. डिफरेंस ऑपरेटर इसको ना ऐसे लिखते हैं, एंड इस साइन को बोलते हैं नेबला. उल्ट नेबला, हंसने का कोई बात नहीं है. ठीक है, बेसिकली ये डेल्टा, लाइक इट्स अ डेल्टा ना, दिस इज अ डेल्टा डिफरेंस. तो ये हम लोग का उल्टा साइन. तो इसको लिखो नेबला एक्सटी इक्वल टू, हंसने का कोई बात नहीं, ऐसे गवार लो के जैसे मत करो, हम लोग एक्सटी माइनस वन. ठीक है, सिमिलरली इफ आई राइट नेबला एक्सटी माइनस वन क्या हो जाएगा, या एक्सटी प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस ठीक है, अंडरस्टूड. स्क्वायर अगर मैं दे दू, फिर से सेम लॉजिक कॉपी करो. दिस इज व्हाट, ब्रैकेट के अंदर. अभी दोनों पे आपको लगाना पड़ेगा, दोनों पे नेबला लगेगा, मतलब नेबला एक्स टी माइनस वन, विच इज मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूं, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा. बोलो, नहीं आई एम वेटिंग फॉर वीडियो स्टूडेंट्स टू रिप्लाई. माइनस होगा, वेरी गुड चिराग, माइनस होगा, माइनस एक्स टी माइनस वन माइनस एक्स टी, तो क्या बच रहा है, एक्स टी बच रहा है टू एक्स टी माइनस वन प्लस एक्स टी माइनस टू. आ रहा है ये? सो इसका अगर हम जनरल वाला लिखे, इसका जनरल वाला थोड़ा लेंदी हो जाता है, दैट इज नेबला के एक्स टी के सी जीरो एक्स टी प्लस वन, इसको वन कर दो, के सी वन एक्स टी माइनस वन, कॉपी करो. ठीक है, तो बेसिकली अगर यहां ध्यान दे, अब अगर हम लोग सेम चीज डिराइव करें, ये वाला जनरल इक्वेशन जो आ रहा है हम लोग का, केसी जीरो इंटू एक्स टी प्लस माइनस वन टू दी पार वन, विच इज माइनस वन, के सी वन एक्स टी माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर के सी टू, सो ऑन. तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे तुम लोग को बोलू, तुम लोग ये निकालो नेबला स्क्वायर एक्स टी यूजिंग दिस जनरल इक्वेशन, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, टू सी जीरो इज, टू सी जीरो इज वन एक्स टी, यस. उसके बाद प्लस माइनस वन टू दी पावर वन इज माइनस टू सी वन हुआ ना, ये टू सी वन इज टू एक्स टी माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर, हाँ, प्लस आ गया टू सी टू इज वन एंड एक्स टी माइनस
टू बस खत्म, क्योंकि उसके आगे और नहीं जा सकते। केसी केप तो पहुंच ही गए हम लोग। ये इक्वेशन याद करना होगा, यूजुअली याद करने का जरूरत पड़ता नहीं है, बिकॉज IFOA में स्पेसिफिकली कभी भी नेबला स्क्वायर है ना, कब नेबला क्यूब आएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद करने का जरूरत जनरली नहीं पड़ता। IAS स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली हैव टू रिमेम्बर। अब लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, इसी के अंदर लिखना रिलेशनशिप बिटवीन नेबला एंड बी, बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंस ऑपरेटर। रिलेशनशिप बिटवीन नेबला एंड बी, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं नेबला एक्स टी, दिस इज बेसिकली इक्वल टू एक्स टी माइनस वन, विच इज इक्वल टू एक्स टी माइनस बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर एक्स टी, विच इज इक्वल टू वन माइनस बी एक्स टी। सो देयर फोर नेबला इज इक्वल टू वन माइनस बी, है कि नहीं? एंड अगर हम दोनों को रेज टू द पावर के कर दे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि बहुत नई चीजें सीखेंगे आज की क्लास में, तो एक बार के लिए लगेगा, बट आपको ये कॉपी अगर रीड नहीं करोगे आज घर जाके या कल सुबह तो पूरा भूल जाओगे, नेक्स्ट क्लास कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको रीड डेफिनेटली करना है। क्लियर है ये? अब एक चीज और लिखो, नोट नोट दे देना इसी के नीचे, नोट दो। ये तो देखो मैंने सुपरस्क्रिप्ट बनाया है, इधर पे हमने सुपरस्क्रिप्ट में दिया ना, नेबला स्क्वायर लिखा है हमने। अगर ये चीज सबस्क्रिप्ट में होता, मतलब अगर मैं ऐसे लिखती एक्स टी, तो इसका मीनिंग इज बेसिकली एक्स टी माइनस एक्स टी माइनस के। क्या डिफरेंस हुआ तो बता सकते हैं? वहां पे वेरी गुड, यहाँ हमने एक्स टी माइनस के किया, मतलब ये लैग, अगर आप ऐसे लिखते हो नेबला के एक्स टी, मतलब देर इज अ लैग ऑफ के, ठीक है, नॉट के टाइम्स। जैसे यहाँ पे अगर हम नेबला स्क्वायर लिख रहे हैं तो नेबला टू टाइम्स यू आर डिफरेंसिंग एक्स टी, इसका मतलब है टू टाइम्स हम एक्स टी डिफरेंस कर रहे हैं, बट इसका मतलब है लैग इज के। अंडरस्टूड? ये लॉजिक ये याद रखना कभी ऐसा आए तो। सबस्क्रिप्ट में है, सुपरस्क्रिप्ट में नहीं है। कौन सा नंबर है अब नेक्स्ट? लिखो सिंपल रैंडम वॉक। कॉपी करो, एक्स टी इक्वल टू एक्स टी माइनस वन प्लस जेड टी। अब एक बार साइड में लिखना, अच्छा ऐसे पहले लिख लो, वेयर जेड टी इक्वल्स टू लिख लो वन विथ प्रोबेबिलिटी पी एंड माइनस वन विथ प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी। ठीक है, पी पी प्रोबेबिलिटी है। तो एक चीज लिख लो साइड में, एक्स टी इज नॉट अ स्टेशनरी, डिफिकल्ट है। एक्स टी इज नॉट अ स्टेशनरी प्रोसेस, जेड टी इज अ स्टेशनरी प्रोसेस। सो बेसिकली इसका ना रैंडम वॉक हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे व्हेन वी डू मार्कोव, उसमें पूरा डिराइव करते हैं प्रोबेबिलिटीज। बट यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे मैंने समझा था, बहुत फनी है, एक ड्रंक इंसान है, ठीक है, तो वो कभी आगे जाता है, वो कभी
पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी सिंपल रैंडम वॉक इज लाइक अ ड्रंक पर्सन जो आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, बट वो एक ही स्टेप ले सकते हैं एक बार में. सो हम क्या लिख रहे हैं देखो, प्रोसेस वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू प्रोसेस वैल्यू एट टाइम टी माइनस वन, एक दिन पहले या एक मिनट पहले या एक सेकेंड, जो भी आप जैसे भी टाइम ले रहे हो, प्लस उसने क्या स्टेप लिया, क्या वो आगे गया या वो पीछे है. आगे गया मतलब वन है, पीछे गया मतलब लाइक लिफ्ट. लिफ्ट क्या होता है, एक स्टेप एक फ्लोर ऊपर, एक फ्लोर एलिवेटर, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप एक फ्लोर नीचे, वैसा. तो कोई भी एग्जाम्पल जिससे आपको सूटेबली ये समझ में आए, बिकॉज ये बहुत ईजी नहीं है. नाम सिंपल रैंडम वॉक है, बट इट्स नॉट सिंपल एक्चुअली. जब हम लोग इसको समझने जाएंगे, जब इसके मार्कोव में सम्स करेंगे, तो और डिफिकल्ट लगेगा आपको. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि वो एक स्टेप आगे जा रहा है पी, एंड प्रोबेबिलिटी वो एक स्टेप पीछे आ रहा है इज वन माइनस पी. ठीक है, तो इसके बाद एक लिखना, एंड वो एक बार में एक ही स्टेप ले सकते हैं. मतलब अगर आज लिखो लेट, लिखना लेट एक्स जीरो इज जीरो, मतलब टाइम जीरो पे वो जीरो पे है, लेट्स सपोज, तो एक्स वन क्या हो जाएगा बताओ. एक्स जीरो प्लस जेड क्या, जेड वन. ठीक है ना, तो बताओ कि एक्स वन का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. एक्स जीरो तो जीरो है, तो जीरो प्लस, या तो जीरो प्लस वन होगा या जीरो. तो एक्स वन का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हुआ, या तो वन या तो माइनस वन, एंड वन विथ प्रोबेबिलिटी पी, एंड माइनस वन विथ प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी, क्योंकि जेड टी का जैसा होगा जेड वन का जैसा होगा. सिमिलरली बताना एक्स टू क्या क्या पॉसिबल होगा. एक्स टू क्या है पहले देख लो, फिर कॉपी करने के लिए आई विल गिव यू टाइम. एक्स टू इज एक्स वन प्लस जेड टू. अब एक्स वन में क्या क्या पॉसिबिलिटी निकाला हमने, वन या माइनस वन निकाला, तो वन के साथ क्या क्या पॉसिबल है, या तो प्लस वन या माइनस वन, माइनस वन के साथ भी प्लस वन या माइनस वन, तो कितने पॉसिबिलिटीज आए, चार आए. क्या क्या है, ये टू है, जीरो है, तो तीन पॉसिबिलिटीज आए. हाँ, क्या क्या, या तो टू या तो जीरो या तो माइनस टू. टू का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, पहले ध्यान दो, फिर यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो दो वैल्यूज है, वन वो कैसे आया था, पी पे आया था, पी से, एंड वो एक और वन आगे जाएगा, मतलब पी स्क्वायर हुआ प्रोबेबिलिटी, येस और नो, पी इंटू पी, पी इंटू पी, एक स्टेप आगे इन द प्रीवियस टाइम पीरियड पी, वापस एक स्टेप आगे पी स्क्वायर. यहाँ पे देखो वन एंड माइनस वन, तो ये वन था पी, एंड माइनस वन मतलब वन माइनस पी, यहाँ पे वन माइनस पी एंड पी, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पी, खाली ऐसे ही टू इंटू करेंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे वन माइनस पी का होल स्क्वायर, इट्स लाइक अ बाइनोमियल ना, नॉट एग्जैक्टली. नहीं समझा वंश, देखो तुम स्टार्ट कर रहा है जीरो से, दिस इज योर एक्स जीरो, ये एक्स वन पे तुम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वन या माइनस वन, एक्स टू पे तुम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, टू जीरो या माइनस टू, तीन पॉसिबिलिटीज तो था. वन से या तो तुम टू पे जाएगा, वन से या तो तुम जीरो पे जाएगा. क्या तुम वन से माइनस टू पे जा सकते हो, नहीं पॉसिबल है ना. वन से माइनस टू जाना मतलब कितना स्टेप पीछे जाना, विच इज नॉट पॉसिबल इन वन टाइम पीरियड, है ना. या तो तुम एक स्टेप आगे जाएगा मतलब टू पे जाएगा, या तो तुम एक स्टेप पीछे जाएगा मतलब जीरो पे जाएगा. सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर माइनस वन. अब तुम वन पे आया, उसका प्रोबेबिलिटी पी था, यहाँ आया वन माइनस पी था, यहाँ गया क्या हो जाएगा, पी इंटू पी ना, पी इंटू पी. ये मैं तुम लोग को बेसिकली मार्कोव पढ़ा रही हूँ, सोचो तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो. देख लो, ये हो गया पी, ये हो गया वन माइनस पी, ये हो गया पी, ये हो गया वन माइनस पी, ये हो गया पी, ये हो गया
तो यहाँ जीरो पे जाने का दो रूट है, पी वन माइनस पी, वन माइनस पी पी विच इज टू इंटू पी इंटू वन माइनस पी, एंड माइनस टू तक पहुंचने का ये बना लो, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। किसको बहुत गर्मी लगता है यहाँ पे, तुमको लगता है? चल चेंज, बंद बंद करने से बहुत दिक्कत होगा। स्विंग तो बंद नहीं है क्या? आ रहे तुम्हारे ऊपर, अब उसके ऊपर आएगा, नहीं आएगा, 2 मिनट रुकना, नहीं आएगा, अब उसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये क्लियर है? X3 निकालो सिमिलरली। X3 में क्या होगा, 2 से कहाँ जाएगा, 3 या फिर 1? ठीक है, सो 3 1, 0 से कहाँ जा सकते हैं, 1 या -1, एंड -2 से कहाँ जा सकते हैं, -3 या -1, लिख चुके हैं -3। इसका प्रोबेबिलिटीज देख लो, P³। तुम लोग बताए क्या क्या पढ़ रहे हो साथ साथ में? CM2 में एक टॉपिक है बाइनोमियल मॉडल, वो पढ़ रहे हो तुम लोग यहाँ पे, याद आया? हाँ, वन वन में कैसे आ सकते हैं, या तो 2 से इससे आ रहे हो ना, तो P²(1-P), या फिर इससे 1 पे जा रहे हो, मतलब P²(1-P), तो यहाँ पे वापस से 3 आएगा ना कि 2 आएगा? नहीं, रुक जाओ, मैं कुछ गलत, तो ये हुआ 3 हो जाएगा बेसिकली। एंड ये वाला तुम लोग कंबाइन करके लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रही हूँ। -1 पे कैसे, क्लियर हो रहे सबको? काजल क्लियर, काजल क्लियर, खुशी, दोज हु हैव पुट द कैमराज ऑन, मैं उनको ही पूछूंगी। चिराग, ईशा, क्लियर ना? डाउट है तो पूछ लेना। 0 से -1, 2P(1-P) का स्क्वायर, या फिर -2 से -1, -2 से -1 मतलब तुम क्या कर रहे हो, एक स्टेप ऊपर की पीछे, तो +1-P का स्क्वायर इंटू पी, तो वहां पे वापस से 3 आ जाएगा। लिख लो तुम लोग, मैं वो 3 वाला पार्ट नहीं लिख रही हूँ। क्लियर है? अब लिखना, कॉपी कर लूं? वंश क्लियर? पीछे क्लियर? अब नेक्स्ट लिखो, 2 ZT क्या होगा, XE=XE-1+ZT है ना, तो ZT इज व्हाट, XT -XT-1 है, तो कैन यू राइट दिस एज नेबला XT? यहां ऐसे लिखना डैश देके, डिफरेंसिंग XT, डिफरेंसिंग, डिफरेंसिएशन नहीं, डिफरेंसिंग XT 1 टाइम, सो दैट इट विल गिव स्टेशनरी प्रोसेस, स्टेशनरी प्रोसेस। ये लिखा, एक चीज और लिख लो, अगर मैं बोलूं लेट
नेबला एक्स टी इक्वल टू वाई टी, देयरफोर जेड टी इक्वल टू वाई टी, देयरफोर वाई टी इज स्टेशनरी। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, एक्स टी इज नॉट स्टेशनरी, वाई टी इज स्टेशनरी लिखा था कि नहीं? हाँ लिखा था कि नहीं? जेड टी स्टेशनरी एंड वाई टी एक्स टी नॉट स्टेशनरी लिखा था ना। एक चीज समझना क्यों लिखा था, एक बार यहाँ ध्यान दो, कुछ लिखना नहीं है, जस्ट देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं बोलू एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड टी निकालो तो क्या होगा, 1 इंटू पी प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस पी, विच इज वॉट, क्या आ रहा है? टू, इज इट डिपेंडेंट ऑन टाइम टी? हाँ दिस इज कॉन्स्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ लैग, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। वेरियंस निकालोगे दैट विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, को वेरियंस निकालोगे दैट विल ओनली डिपेंड ऑन लैग, हेंस जेड टी इज स्टेशनरी। बट सेम यू कैन नॉट से फॉर एक्स टी। जब इसका तुम लोग निकालोगे, अभी हम लोग को नहीं करना, बट इसका जब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वेरियंस, वी विल सी दैट इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, अंडरस्टूड? कि जेड टी, तो एक्स टी को अगर आपको स्टेशनरी बनाना है तो इसको एक बार डिफरेंस करना पड़ेगा, जैसे हमने यहां करा, एक बार डिफरेंस करना पड़ेगा। एंड डिफरेंस करने से जो नया प्रोसेस मिला वाई टी, दैट इज स्टेशनरी, बिकॉज वाई टी इक्वल टू जेड टी है ना, एंड जेड टी इज स्टेशनरी। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 0.11 लिखो। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इंटीग्रेटेड प्रोसेस आईडी, ब्रैकेट में लिख लो आई डी। लिखना एक्स टी इज सेट टू बी, एक्स टी इज सेट टू बी इंटीग्रेटेड प्रोसेस आईडी, प्रोसेस इज सेट टू बी आईडी प्रोसेस इफ ओरिजिनली द प्रोसेस, ओरिजिनली द प्रोसेस इज नॉट स्टेशनरी, इज नॉट स्टेशनरी बट आफ्टर डिफरेंसिंग, बट आफ्टर डिफरेंसिंग डी, देख लो डी टाइम्स, आफ्टर डिफरेंसिंग डी टाइम्स इट बिकम्स स्टेशनरी, इट बिकम्स स्टेशनरी। पहला एग्जाम्पल सिंपल रैंडम वॉक, सिंपल रैंडम वॉक जो भी हमने ऊपर किया इज कितने बार डिफरेंस करने के बाद वो स्टेशनरी बना, एक बार डिफरेंस करने के बाद। सो सिंपल रैंडम वॉक इज I1 प्रोसेस और D इक्वल टू 1। सिंपल रैंडम वॉक इज I1 प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, एक्स टी इक्वल टू टी, वेयर टी गोज फ्रॉम 1 टू डॉट 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 इंफिनिटी तक। इसको कैसे स्टेशनरी बनाए? पहला प्रोसेस तो क्लियर है सिंपल रैंडम वॉक वाला। दूसरा एग्जाम्पल में देखना, अगर ये है तो एक्स टी माइनस 1 क्या हो जाएगा,
ठीक है ना, सिंपल। एक्स टी माइनस वन विल बी टी माइनस वन। तो अगर मैं एक बार डिफरेंस करूं, लेट्स सपोज लेट्स टेक वाई टी, वाई टी एज नेबला एक्स टी, तो क्या आएगा? वन आ रहे है? हाँ, विच इज वाई टी। अब देखते हैं कि ये स्टेशनरी बना या नहीं बना, देख के समझ में आ रहे बनना चाहिए। कैसे प्रूव करते हैं समझो। पहले क्या निकालते हैं स्टेशनरी का, तीन कंडीशन। पहला हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी, क्या हो जाएगा वेरियंस ऑफ वाई टी, क्या हो जाएगा क्यू जीरो, क्यू कॉन्स्टेंट का वेरियंस इज जीरो। तो जब आपका एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है या कांस्टेंट होता है, तो इट बिकम्स, यूजुअली क्या होता है, हमने तीन कंडीशंस देखे ना, तो यूजुअली या तो आप फर्स्ट टू कंडीशन प्रूव कर दो या आप खाली थर्ड कंडीशन, पर सेकेंड एंड थर्ड इज इम्पोर्टेंट। या तो सेकेंड करना पड़ेगा या तो थर्ड, क्योंकि इट्स रिलेटेड ना। अगर आप वेरियंस को प्रूव कर दोगे कॉन्स्टेंट है, तो इट्स सेम एज सेइंग कोवेरियंस ओनली डिपेंड्स ऑन लैग। हम लोग करेंगे अभी सम्स, बट आइडियली अगर आप लोग समझोगे, वेरियंस इज ऑल्सो वॉट कोवेरियंस ऑफ एक्स टी कॉमा एक्स टी ना, अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये दोनों, तो अब लिखना, देयरफॉर वाई टी इज नाउ स्टेशनरी, वाई टी इज नाउ स्टेशनरी, हेंस एक्स टी क्या हो गया, आई वन प्रोसेस हो गया। सो एक्स टी इज आई वन प्रोसेस, क्योंकि एक बार डिफरेंस करने से वो स्टेशनरी बन गया, हेंस आई एक्स टी इज अ आई वन प्रोसेस। क्लियर है? पीछे नेक्स्ट लिखो, थर्ड एग्जाम्पल। एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको खुद से करो। एक बार सुन लो, इसको दो बार डिफरेंस करना है, तो स्टार्ट करते हैं, दो बार डिफरेंस से ही स्टार्ट करो। एक बार जब करके देखोगे, घर पे करना, एक बार जब करके देखोगे तो वो स्टेशनरी नहीं आएगा, तो उसको वापस से हमें करना होगा। ठीक है, करो इसको, एक्सपैंड करो खुद से। क्या लिखा था ऊपर, एक्स टी माइनस टू एक्स टी ऊपर लिखा था ना, इसका एक्सपेंशन प्लस एक्स टी की जगह पे लिखेंगे टी स्क्वायर, ठीक है। नहीं, रुको रुको, कुछ गलत हुआ ना। हाँ, ये वाला स्क्वायर होगा। क्या क्या बच रहा है? यहाँ पे भी एक फोर,
फोर माइनस टू टू बच रहे। अगेन सेम लॉजिक, अगर हम बोले दैट दिस इज वाई टी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी, वेरियंस ऑफ वाई टी, देयरफॉर वाई टी इज अ स्टेशनरी प्रोसेस, हेंस एक्स टी इज अ हाँ आई टू प्रोसेस। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जाम्पल ले लो, ये हो गया ना सबका। ये बेसिकली आई थ्री प्रोसेस बनेगा। अब वहां से देख के बताना, जनरल इक्वेशन जो था उससे इसका एक्सपेंशन बताओ क्या आएगा। दो तरीके से कर सकते हो, या तो वो जनरल एक्सपेंशन देख के मुझे आंसर बता सकते हो, या एक और चीज कर सकते, क्योंकि हमें ऑलरेडी नेबला स्क्वायर का पता है, तो हम पहले नेबला स्क्वायर लिखेंगे पूरा जो उसका तीन आ रहा है, एंड फिर उसका डिफरेंस वापस से करेंगे। तो या आइदर यू कैन यूज दैट अप्रोच, और यू कैन डायरेक्टली टेल मी द जनरल इक्वेशन। अगर जनरल इक्वेशन एग्जाम में याद नहीं आ रहे, देन दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू डू, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को नेबला स्क्वायर एक्स टी याद हो, उसका एक्सपेंशन आपको याद हो जाए, एंड आपको जनरल याद नहीं आए, तो आप वैसे कर सकते हो, पर जनरल इक्वेशन से बताना मुझे स्टार्ट कैसे हो रहा है जनरल इक्वेशन। छोड़ो, तुम लोग गलत बता दोगे मेरे को। सबसे पहला क्या था, के सी जीरो ना, के सी जीरो हमारे केस में क्या है, फिर माइनस थ्री सी वन थ्री सी टू माइनस वन का स्क्वायर, तो थ्री सी टू माइनस थ्री सी थ्री एक्स टी माइनस, अब बताओ थ्री सी जीरो क्या होता है, वन, थ्री सी वन क्या होता है, हाँ थ्री, थ्री सी टू क्या होता है, थ्री, एंड थ्री सी थ्री वन, ठीक है। एंड अगर तुम लोग पूरा फ्रॉम स्क्रैच एक्सपैंड करते, मतलब इसको सुन लो, इसको या तो वैसे करके या तो ऐसे करके जैसे भी एक्सपैंड करते, तो यही आता, ठीक है। घर पे यू कैन ट्राई। अंडरस्टूड, क्योंकि आइडियली मैंने भी कभी जनरल इक्वेशन याद नहीं, बस तो अगर तुम 2 मिनट बैठेगा तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइडियली अगर मैंने भी कभी जनरल इक्वेशन फॉलो नहीं किया, आई ऑलवेज फॉलोड दिस अप्रोच, ये बहुत इजियर अप्रोच है, एक्स टी माइनस वन। अब इसको वापस से एक अंदर ले लो, फिर एक्सपैंड एंड फिर एक्सपैंड। आई फाउंड दिस इजियर, क्योंकि मेरे को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग ये वाला मैंने ऐसे किया था, तुम लोग का जैसा भी मन। ऑलराइट, अब ये आ रहा है, अब इसमें बस डालो, पुट इन करो वैल्यूज, माइनस थ्री प्लस, ठीक है क्या,
अगर निबला, हाँ टू, टू को कैसे करेंगे अपने डिफरेंस, नहीं कर सकते तो टू बाहर आ जाएगा, टू एक्स टी माइनस वन माइनस एक्स टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, अब तुम घर पे इसको एक्सपैंड करेगा तो तुम्हारा फाइनल आंसर तुम देखना आएगा 6। ठीक है, जाओ बताओ इसको करो तो ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? थ्री क्यूब माइनस वन नहीं, प्लस 3t होगा। बोलो माइनस टू क्यू, टू का क्यूब फिर ट्वेल्व टी बाहर एक। अरे होता क्या है, जिन लोग भूल गए हैं बेशरम लोग, जाके अपने भाई बहन को पढ़ाओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ओ तुमने वैसे ही किया था क्या? अच्छा बाबा सही सोची भाई। सो बेसिकली 3 स्क्वायर ए स्क्वायर ही। ठीक है ओके, माइनस टी क्यू माइनस 27 माइनस 90। बाप रे ये वाला इससे कुछ नहीं सुनता है मेरे को। 9t2 सबको काट दो। कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे को लग रहा है। टी क्यूब तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ ये माइनस है ना। ठीक है 6 है। एक जब तक एक स्टेप नहीं लिखेंगे ना मेरे को अजीब सा लगेगा। जिन लोग जेन्युइनली सॉल्व कर रहे हैं ना उन लोग के लिए ये आएगा आप लोग का फाइनल। वापस से सेम चीज, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी इज 6, वेरियंस ऑफ वाई टी इज 0। लिखो लिखो एंड सो एक्स टी इज I3 प्रोसेस। लिखो एक चीज ध्यान देना फिर इसको कंप्लीट कर लो। बस एक बार यहाँ ध्यान देना, मैंने जैसे यहाँ पे लिखवाया ना ये वाला XCST2, इसका एक क्विक एग्जांपल अगर हम ले, लेट्स से सपोज आई एम सेइंग दैट टी इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड एक्स टी लेट्स से सपोज आई एम सेइंग क्या हो जाएगा, एक्स टी 1t2 है ना। अब इसको एक बार डिफरेंस करेंगे तो 1 3 बेसिकली 4 माइनस 1 9 माइनस, तो अब इसको दोबारा करोगे तो आ रहे हाँ वैसे ही होता है डिफरेंसिंग बेसिकली। ठीक है क्लियर हुआ? अब ये जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो स्टेशनरी नहीं बनता बेसिकली। सिमिलरली अगर हम लोग इसके लिए करें, टी क्यूब के लिए करें, जो ध्यान नहीं दे रहे बाद में पूछना मन में से। ठीक है ये वाला क्लियर है?
अगर टी क्यूब के लिए करेंगे सिमिलरली, अगर मैं बोलू टी 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक ले लो चलो, तो एक्स टी क्या हो जाएगा? एक बार डिफरेंस, फिर दिस इज हाउ यू डू डिफरेंसिंग, ठीक है? कॉपी कर लो. अरे क्लियर है? एक मिनट शांति शांति. अब लिखो नेक्स्ट, ठीक है? डन. क्यू उसका भी विंग्स को ऐसे नीचे कर दो एकदम, रुको मार है. क्या करना है? नहीं, ये प्रोजेक्टर ओवर हीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं हो सकता. सॉरी, तुम लोग को जैकेट पहन के आना. अरे प्रोजेक्टर ओवर हीट हो जाता है. लिखो टाइप्स, ये चेंज हुआ है, खराब हो गया था तुम लोग की वजह से. लिखो टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज. टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज अब तो नहीं आ रहा होगा वहां पे, तब तो और आएगा. पूरा क्लास हम यही करें. गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है? भाई वो Gracias.
Thank you.
ओके अरे हो गया क्या शांति लिखो टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज प्रोसेस पहला लिखना ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास पहला लिखो ऑटो रिग्रेसिव सो पहले लिख लो कितने टाइप्स होते हैं देर आर एक्चुअली फोर टाइप्स जो हम लोग पढ़ेंगे ऑटो रिग्रेसिव ए आर पी ठीक है एक होता है मूविंग एवरेजेस एम ए क्यू ठीक है एक होता है ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेजेस अर्मा प्रोसेस अर्मा पी कॉमा क्यू ठीक है एक होता है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेजेस अरिमा पी डी क्यू फिर गवार लो के जैसे हंसो मत अरिमा पी डी क्यू ठीक है इसमें कुछ हंसने का नहीं है दीज आर ऑल इन द नेम ऑफ द प्रोसेसेस तो आज हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे अरमा ए आर प्रोसेस लिख लिया चारों सबसे पहला स्टार्ट करो ऑटो रिग्रेसिव ए आर पी मैम एक बार टाइप्स वापस दिखाइए ना हाँ देखो ठीक है ऑटो रिग्रेसिव में लिखना एक्स टी इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा वन एक्स टी माइनस म्यू प्लस अल्फा टू एक्स टी एक सेकेंड एक्स टी माइनस वन हो गए माइनस टू माइनस म्यू डॉट 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 अल्फा पी टाइम्स एक्स टी माइनस पी माइनस म्यू प्लस ई टी ठीक है अब एक बार समझ लेते हैं इसको कैसे इसका मीनिंग क्या है सो बेसिकली एक्स टी मतलब करंट वैल्यू ऑफ द प्रोसेस एट टाइम टी जब भी टी बोलते हो दैट्स द करंट वैल्यू अभी का टाइम सो एक्स टी इज द करंट वैल्यू ऑफ द प्रोसेस एट टाइम टी म्यू इज बेसिकली यू कैन कंसिडर इट टू बी अ बेंचमार्क दिस इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू लेट्स सपोज अगर मैं बोल रही हूँ एक्स टी प्रोसेस इज द नंबर ऑफ सेल्स ठीक है या फिर अमाउंट ऑफ सेल्स वट एवर एट टाइम टी तो मेरा एक बेंचमार्क है मिनिमम 50 सेल्स होगा या एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लो तो वो म्यू एक कांस्टेंट होता है जो यूजुअली गिवन होता है डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सीरीज तो म्यू मान लो एक बेंचमार्क है उसके बाद जो भी सारे अल्फा हैं जैसे अल्फा वन अल्फा टू दीज आर द वेट्स
जो आप किसको दे रहे हो, इन सबको दे रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, अल्फा वन अल्फा टू को वेट्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है एक्स सी माइनस म्यू, एक्स सी माइनस वन माइनस म्यू, ये सारे जो हो गए ये आपके अगेन प्रोसेस के वैल्यूज हो गए एट टाइम टी माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस टी, एंड म्यू इज द बेंचमार्क जो हम लोग ने अज्यूम किया। नाउ व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर इज दैट एक्स सी इज बेसिकली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पास्ट वैल्यूज। कहीं भी क्वाड्रेटिक कुछ दिख रहा है, एक्स टी स्क्वायर दिख रहा है, सो इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पास्ट। वाई पास्ट एक्स सी माइनस वन, एक्स सी माइनस टू, हैव टेकन ऑल द, कैन इट बी फ्यूचर? नो, फ्यूचर वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। एंड ई टी इज द एरर टर्म एट टाइम टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसेस को, तो लिखना लिखना लेट एक्स टी माइनस म्यू इक्वल टू वाई टी, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, यहाँ ध्यान दो, अगर म्यू हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, एक्स टी माइनस म्यू हो जाएगा वाई टी, ये हो जाएगा अल्फा वन वाई टी माइनस एक्स टी माइनस वन माइनस माइनस म्यू हो जाएगा वाई टी माइनस वन, वेरी गुड, ये हो जाएगा वाई, करेक्ट, अल्फा पी वाई टी माइनस पी प्लस ई टी, यस आ रही वाला, बोलो आया? कहीं डाउट? एनीवन एनी डाउट? सिंपल, ठीक है। अब लिखना फॉर ए आर वन प्रोसेस, मैंने पी लिखा था ना, पी पी इज एनी कांस्टेंट, तो ए आर वन प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्स टी इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा वन एक्स टी माइनस वन माइनस म्यू। क्या हम लोग अल्फा टू तक जाएंगे, क्योंकि टी माइनस पी, टी माइनस वन तो ऑलरेडी पहुंच ही चुके ना, मैक्सिमम आप टी माइनस पी तक जाते हो, तो टी माइनस वन तो ऑलरेडी पहुंच ही चुके, तो टी माइनस टू लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस ई टी, या फिर अगर वाई टी के टर्म्स में लिखे, सो वाई टी इक्वल्स टू अल्फा वन वाई टी माइनस वन प्लस ई टी, या फिर क्योंकि देर इज ओनली वन अल्फा इन द इक्वेशन, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, अल्फा वन अल्फा टू लिखने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ कैन यू राइट इट लाइक दिस, ई टी एज वाई टी माइनस अल्फा वाई टी माइनस वन, सो कैन वी से दैट हमने ई टी को रिप्रेजेंट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ वाई टीज, सिमिलरली एक्स टीज भी कर सकते हो, सो कैन वी से दैट दिस प्रोसेस इज इनवर्टिबल। जाके देखो इनवर्टिबल का मीनिंग क्या लिखवाया था मैंने। हाँ सो दिस ई टी कैन बी, लिखना ई टी कैन, देयरफॉर ई टी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वाई टी, ई टी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वाई टी, सो वी कैन से दैट वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वी कैन से दैट ए आर पी प्रोसेस इज ऑलवेज इनवर्टेबल, ऑलवेज, हमेशा ए आर वन के लिए नहीं, इट इज इनवर्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, इट इज इनवर्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, क्योंकि एक ही ई टी का टर्म्स है, टर्म है, तो जिसको तुम वाई टी या एक्स टी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अंडरस्टूड? अब एक नोट लिखो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, से स्टार बना देना, पास्ट वैल्यू, क्या डाउट आ रहा है मेरे को बताओ, वो तुम, वो बेटर पढ़ाएगा क्या मेरे से, जाओ क्लास के बाद जाओ पढ़ लेना उससे बाद में, उसको भी उतना ही आता है जितना तुमको आता है, उसको क्यों तुम ट्रस्ट कर रहे हैं? लिखो, तुम लोग तीनों को तो अलग करेंगे, रुको ना,
तीनों को तीन अलग अलग डायरेक्शन में उठाएंगे. लिखो पास्ट पास्ट वैल्यूज एंड फ्यूचर एरर्स. आर इंडिपेंडेंट. कैसे? पास्ट का वैल्यू एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, एनीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर एरर, ई टी या ई टी प्लस वन, एनीथिंग. क्योंकि पास्ट में जो वैल्यू हो गया, चला गया, वो तो ऑब्वियसली फ्यूचर एरर पे डिपेंड नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली. अब नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट नोट लिखो. एरर टर्म्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इंडिपेंडेंट पूरा लिखना, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो एक सेकेंड इसका हम लोग अगर मीनिंग समझे. पहले वाले का कोवेरियंस ऑफ, अगर मैं लिखू एक्स टी कॉमा ई टी प्लस वन, पास्ट वैल्यू फ्यूचर एरर हुआ, पास्ट वैल्यू एंड फ्यूचर एरर आर, तो ये जीरो आना चाहिए, इंडिपेंडेंट है, कोवेरियंस जीरो होगा. एक चीज ध्यान रखो, बीइंग अ CS2 स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट अगर है मीन्स कोवेरियंस इज जीरो, बट अगर कोवेरियंस जीरो है डज नॉट इम्प्लाई इट्स इंडिपेंडेंट, बिकॉज कोवेरियंस इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स टी एक्स एंड वाई. कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई मीन्स इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप आप बता रहे हो बिटवीन एक्स एंड वाई, बट इंडिपेंडेंट का मतलब देर इज नो रिलेशन, बी इट लीनियर बी इट नॉन लीनियर. सो इंडिपेंडेंट इम्प्लाइज कोवेरियंस जीरो होगा, बट कोवेरियंस जीरो या को रिलेशन जीरो डज नॉट इम्प्लाई इट इज. पढ़ा था ये? ठीक है, अंडरस्टूड. अब सिमिलरली इसके लिए बताना कोवेरियंस ऑफ एक्स टी ई टी माइनस वन. हाँ बोलो पूर्वी. मैम यहाँ पर आपने ऊपर ई टी लिखा है ना, वाई टी माइनस अल्फा वाई टी माइनस वन, तो वो तो पास्ट वैल्यू से ही आ रहा है ना, लाइक एक्स टी माइनस वन यूज हो रहा है उसमें. एरर कभी वैसे नहीं आता, ये मैंने एक्सप्रेस किया है कि जब आप ईटी को सारे वाई टीज में एक्सप्रेस कर सकते हो, इट बिकम्स इनवर्टेबल. इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो इससे आया है. अगर आइडियली, एक चीज ध्यान देना, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक चीज है जो हमने CS1 लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था. हम क्या लिख रहे हैं तुम लोग को याद होगा, वाई इक्वल टू अल्फा, क्या लिखते थे, एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, ये ऐसे लिखते थे. तो बेसिकली ये क्या है, ये अरे एक्स वन एक्स टू अलग अलग वेरिएबल्स है, तो ये तुम्हारा जो बन रहा है ये एक मॉडल बन रहा है वाई का, इससे तुम्हारा एक वाई हैट का वैल्यू आएगा और एक एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई रहता है. वाई माइनस वाई हैट गिव्स यू एरर, भूल जाओ इसको. सेम चीज यहाँ अप्लाई होता है हर मॉडल में. हम क्या बोल रहे हैं, वाई टी इज इक्वल टू अल्फा वाई टी माइनस वन, दिस इज समथिंग विच यू नो. आपको वाई टी माइनस वन पता है, अल्फा इज अ पैरामीटर विच यू हैव टेकन आउट गिवन वट एवर. सो अल्फा वाई टी माइनस वन से आपका वाई हैट, हम लोग करेंगे ये जब टाइम सीरीज टू करेंगे फोरकास्टिंग, तो आपका वाई हैट आ जाएगा. दैट्स वाई हैट. वेन यू कंपेयर वाई हैट विथ वाई यू गेट द एरो टर्म, तो इसीलिए मैंने प्लस एरो टर्म किया टू गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई. दिस इज द रैंडमनेस. आप कभी भी एक्यूरेटली कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देयर विल ऑलवेज बी अ एरर. इसीलिए ई टी इक्वल टू वाई टी विच इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई, अल्फा वाई टी माइनस वन विच यू हैव टेकन आउट यूजिंग योर मॉडल,
डिफरेंस बिटवीन द टू गिव्स यू एन एरर. दैट डज नॉट मीन कि वाई ई टी डिपेंड्स ऑन दिस, कहीं से ये नहीं बोल रहे हम. फ्यूचर में जो एरर आ रहा है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट में क्या वैल्यू था, नेवर. ठीक है, इसका ये मीनिंग नहीं है. तो ये लॉजिक एकदम मत रखना. सो ये क्लियर है, फ्यूचर फ्यूचर एरर एंड पास्ट वैल्यू आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट. ये वाला क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू एंड पास्ट एरर, ये जीरो होगा, नेवर जीरो. पास्ट एरर, कल का एरर विल ऑब्वियसली ना वाई टी डिपेंड्स ऑन ई टी माइनस वन पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे ई टी माइनस वन वाला एरर टर्म नहीं आ रहे, बट अगर आप वाई टी माइनस वन को एक्सपैंड करोगे, कैसे एक्सपैंड करोगे, ऐसे ही, तो ई टी माइनस वन वाला एक टर्म आएगा ना. सो बेसिकली ऑब्वियस है कि पास्ट एरर, कल का जो एरर था उसको इनटू अकाउंट लेंगे तभी तो आज का वैल्यू कल का वैल्यू ऐसे निकलेगा, है ना. तो दिस इज फ्यूचर वैल्यू पास्ट एरर विच इज नॉट जीरो. पास्ट एरर, सॉरी, पास्ट वैल्यू एंड फ्यूचर एरर आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब ये वाला पार्ट टू अगर हम लोग समझे, पार्ट टू अगर हम लोग समझे तो उसके लिए इफ आई राइट कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा ई टी प्लस वन, एरर टर्म ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड इज सिमिलरली कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा ई टी माइनस वन इज ठीक है. अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन वन. डिराइव गामा जीरो गामा वन गामा टू, रो जीरो रो वन रो टू फॉर ए आर वन प्रोसेस, फॉर AR1 process we are assuming, full stop देखिए, we are assuming the process to be stationary, the process to be stationary for the time being, for the time being also et follows normal 0 comma sigma square, normal 0 comma sigma square. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले xt बताओ क्या है, ए आर वन का म्यू प्लस अल्फा एक्स टी माइनस प्लस, ये है. इसको अभी वाई टी के टर्म्स में अगर हम लोग नहीं लिख रहे, अभी लेट्स जस्ट कीप इट दिस वे. एक सेकेंड रुकना, इसमें कैसे कराया था मैंने,
तो सबसे पहला है गामा नॉट निकालना है ना, तो गामा नॉट इज व्हाट? क्या था गामा नॉट? कोवेरियंस, ऑटो कोवेरियंस है ना, इतना कॉन्फिडेंटली तो कभी कोई नहीं बोला होगा। एक्सटी कॉमा एक्सटी होगा, क्योंकि लैग क्या है, लैग क्या है, जीरो है, तो एक्सटी। अब लेट्स सब्स्टिट्यूट। अब जब हम लोग, एक चीज याद रखना, जब हम लोग एआर प्रोसेस सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग दोनों एक्सटी को नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, वील जो सब्स्टिट्यूट वन एक्सटी, मतलब ये दोनों एक्सटी के वैल्यूज को नहीं करेंगे। म्यू प्लस अल्फा एक्सटी माइनस वन माइनस म्यू प्लस एटी कॉमा एक्सटी। यार है हाँ। अब यहां देखो टर्म वाइज जाते हैं, कोवेरियंस ऑफ म्यू कॉमा एक्सटी प्लस ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, तो अल्फा इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। अल्फा कोवेरियंस ऑफ एक्स टी माइनस वन कॉमा एक्स टी माइनस अल्फा कोवेरियंस ऑफ म्यू कॉमा एक्स टी, ठीक है, प्लस क्या बच रहा है, कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा अब देखो एनी कॉन्स्टेंट एंड उसका बेसिकली कोवेरियंस ऑफ एक्स टी एंड म्यू इज वॉट, जीरो ना। आप एक कॉन्स्टेंट के साथ एक रैंडम वेरिएबल का नहीं निकाल सकते हो, सो इट्स जीरो। सो दिस इज जीरो प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा कोवेरियंस ऑफ एक्स टी माइनस वन कॉमा एक्स टी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट है और एक्स टी है, जीरो हो गया, प्लस ये क्या होगा, एरर टर्म एंड कैसे, हाँ कुछ नहीं होगा, डिराइव करना होगा, क्योंकि सेम टाइम पीरियड का एरर और वैल्यू है, हमने सेम टाइम पीरियड का कुछ नहीं लिखा है, जीरो है ना। सो कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा एक्स टी वील डिराइव, सो बेसिकली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, ध्यान देना, वी आर लेफ्ट विथ ये जो है अल्फा, कैन यू राइट दिस एज गामा वन कोवेरियंस ऑफ एक्स टी माइनस वन कॉमा एक्स टी, लैग क्या है एंड क्या अजम्पशन लिया था हमने, स्टेशनरी फॉर द टाइम बीइंग, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस कोवेरियंस ई टी कॉमा एक्स टी, इसको ऐसे वन लिख दो। अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे, यहाँ पे देखो बेसिकली इस पार्ट को, कोवेरियंस डिराइव करो, कोवेरियंस ई टी कॉमा एक्स टी, अगेन एक्स टी एक्सपैंड करो, क्या होगा, म्यू प्लस अल्फा एक्स टी माइनस म्यू प्लस ई टी है ना, तो कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा म्यू प्लस अल्फा कोवेरियंस ऑफ, हाँ एक्स टी माइनस वन होगा, कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा एक्स टी माइनस वन, अगेन माइनस अल्फा कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा म्यू प्लस कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा ई टी। अब देखो ये वाला क्या हो गया, ये वाला पास्ट पास्ट वैल्यू फ्यूचर एरर, पास्ट वैल्यू फ्यूचर एरर, पास्ट वैल्यू है ना एक्स टी माइनस वन है और ई टी है, पास्ट वैल्यू एंड फ्यूचर एरर क्या हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट के साथ है,
और ये बचा विच इज वेरियंस ऑफ ईटी विच इज सो पुटिंग दिस लिखना पुटिंग दिस इन पार्ट वन पुटिंग दिस इन पार्ट वन वी गेट गामा जीरो अल्फा गामा वन प्लस देख लो ठीक है एक चीज तो हमारा डिराइव हो गया अब गामा वन निकालो कोवेरियंस ऑफ क्या 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 नहीं कर सकते इसको इसको अगर रीअरेंज करोगे तो क्या क्या आएगा तो गामा नॉट अभी तक निकल गए क्या सब अननोन है गामा नॉट नहीं निकले अभी तक लिखो इतने तुम लोग इंटेलिजेंट नहीं बने हो अभी तक ठीक है नाउ अगेन एक्सपैंड ओनली मैंने क्या बोला जब भी हम लोग ए आर सॉल्व करेंगे ए आर प्रोसेस एम ए करेंगे तो दोनों सब्सटीट्यूट करेंगे देखेंगे तब जब हम लोग ए आर पी प्रोसेस सॉल्व करेंगे वी विल ओनली एक्सपैंड एक एक्स टी वाला पार्ट ठीक है सो कोवेरियंस ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा म्यू प्लस एल्फा एक्स टी अभी से तुम लोग थक गए क्या सॉरी कांट हेल्प ठीक है तो अब कोवेरियंस म्यू कॉमा एक्स टी माइनस वन अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क से एग्जाम में फेल हो जाओगे यू हैव टू शो ऑल द स्टेप्स हंसी क्यों आ रहे तुमको ऑनेस्ट बात है ठीक है कॉमा ठीक है ये हो गया जीरो ये हो गया वेरियंस विच इज व्हाट गामा नॉट अल्फा गामा नॉट माइनस ये भी हो गया जीरो प्लस ये पास्ट वैल्यू फ्यूचर एरर है तो ये जीरो सो अल्फा ठीक है सो वी हैव द सेकेंड इक्वेशन अल्फा वन सिमिलरली गामा टू निकालो तो कॉपी कर लिया इसको देखो एक्स टी माइनस टू भी एक्सपैंड कर सकते थे बट वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता टी माइनस थ्री वाला टर्म आता विच इज क्या मतलब है कर सकते वैसे भी बट नो पॉइंट जब हम लोग इजीली कोई चीज सॉल्व कर सकते
आप एक बार यहाँ ध्यान दो, मैं एक्सपैंड एक स्टेप मिस करी हूँ, आप लोग को एक स्टेप लिखना है. कोवेरियंस ऑफ म्यू, एक बार ध्यान दो फिर आई विल गिव यू ऑल टाइम. कोवेरियंस ऑफ म्यू कॉमा एक्स टी माइनस टू क्या हो जाएगा? ठीक है, कोवेरियंस ऑफ अल्फा बाहर, एक्स टी माइनस वन एंड एक्स टी माइनस टू क्या हो जाएगा? अल्फा गामा वन. और म्यू एंड ये जीरो हो गया, माइनस जीरो. ईटी और ये फ्यूचर एरर, पास्ट वैल्यू जीरो. सो देयरफॉर break after 30 minutes around 11:30. ठीक है, अब देखो हम लोग के पास तीन इक्वेशंस हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो फ्रॉम पार्ट वन, फ्रॉम वन हम लोग के पास क्या था? गामा नॉट इक्वल टू क्या है? अल्फा गामा वन प्लस सिग्मा स्क्वायर है. ठीक है, और अल्फा वन गामा वन क्या है? गामा वन का एक्सपेंशन अल्फा गामा नॉट. ठीक है, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर गामा नॉट प्लस सिग्मा स्क्वायर. देयरफॉर गामा नॉट क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा स्क्वायर. सॉल्व हुआ गामा नॉट. अब अल्फा सिग्मा स्क्वायर गिवन रहेगा अपने को, वेरियंस टर्म है ना, वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में. अल्फा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, सो वी कैन गेट गामा नॉट विच इज व्हाट? ऑटो कोवेरियंस विथ लैग जीरो, या फिर विच इज वेरियंस ऑफ एक्स टी. गामा नॉट इज व्हाट? कोवेरियंस एक्स टी कॉमा एक्स टी, विच इज वेरियंस ऑफ एक्स टी ना. तो अगर क्वेश्चन में पूछता है डिराइव वेरियंस ऑफ एक्स टी, इट्स बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू फाइंड गामा नॉट. ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट वेरियंस ऑफ एक्स टी, सिग्मा स्क्वायर इज वेरियंस ऑफ ई टी, एरर टर्म. ठीक है, नाउ सिमिलरली अब तो बहुत इजी, अब आपका गामा नॉट आ गया है, सो गामा वन आ जाएगा, अल्फा गामा जीरो विच इज अल्फा सिग्मा स्क्वायर वन माइनस अल्फा स्क्वायर. गामा टू क्या था? अल्फा स्क्वायर
आ गया तीनों। अब इसके नीचे लिखो जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होता है फॉर गामा के इक्वल टू अल्फा गामा के माइनस वन वेर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। दिस इज द लिखना जनरल इक्वेशन फॉर ए आर वन प्रोसेस। अच्छा देखना जब हम लोगों ने डिराइव किया तो गामा वन क्या आ रहा था अल्फा गामा जीरो आ रहा था कि नहीं। जब हमने गामा टू निकाला गामा टू क्या था अल्फा स्क्वायर गामा नॉट विच इज अल्फा गामा नॉट विच इज अल्फा ऑफ गामा वन विच इज दिस अल्फा के माइनस वन अल्फा के माइनस अल्फा गामा के माइनस वन। सो दिस इज द एंड इसीलिए मैंने क्या लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू वन। गामा जीरो के लिए नहीं होगा ये वैलिड। ठीक है सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर ए आर वन प्रोसेस ओनली ए आर वन प्रोसेस ओनली। ऑल्सो लिखना ऑल्सो ऑल्सो गामा के इक्वल टू अल्फा के गामा नॉट वेर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये तो वैलिड है गामा वन आ रहा था अल्फा गामा नॉट गामा टू आ रहा था अल्फा स्क्वेर ठीक है ना। और अगर जीरो डालोगे सेम आएगा। अंडरस्टूड क्या क्या अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है अब लिखना रो के कैसे निकालते जाके देखो तो पीछे ऑटो को रिलेशन हमने कैसे निकाला था रो के। गामा के बाय गामा नॉट तो रो जीरो क्या हो जाएगा ऑलवेज क्या लिखा था मैंने वन। ठीक है गामा नॉट बाय गामा नॉट रो वन क्या हो जाएगा गामा वन बाय गामा नॉट और गामा वन हमने क्या लिखा है अल्फा गामा नॉट बाय अल्फा आर है एंड रो टू इज लिखो जनरल इक्वेशन फॉर ए आर वन प्रोसेस फॉर ए आर वन प्रोसेस क्या होता है गामा के इक्वल टू अल्फा के वेर के इज जीरो के लिए हो सकता है वैलिड। रो जीरो इज गामा टू एनीथिंग टू द पावर जीरो इज तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है देखने दो पहले मेरे को कितना बचा है फिर उसके अकॉर्डिंग। अच्छा 2 पेज ही और है क्या ये वाला का 1 2 3 ठीक है एक बार सुन लो।
ठीक है, तो ब्रेक ले लेते हैं, चलो, बट वी विल स्टार्ट. सुन लो सुन लो, अभी हो रहा है 12:10, ठीक है? इस वी विल स्टार्ट एट 12:45, ठीक है? 12:45. एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? काजल,